दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, कुछ पल बाद, कुछ दिनों बाद आपके सामने हूँ मैं, और हमारे सेट पे आप आए हैं, इसके लिए थैंक यू बहुत सारा। एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट पे फिल्म बना रहा हूँ मैं, जिसका नाम है भैल पराया बाबुल के अंगना। तो अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा लग रहा है, यूनिट अच्छी है, अच्छे लोग हैं, अच्छे निर्माता हैं, बढ़िया है। संयोग कहिए, एक मुलाकात हुई थी मुंबई में इनसे, किसी काम से आए थे, तो इच्छा जाहिर किया इन्होंने कि एक पारिवारिक फिल्म बनाना चाहता हूँ और आपको एज ए निर्देशक लेना चाहता हूँ। इनकी इच्छा को देखते हुए हमने भी हाँ कर दिया, क्योंकि काफ़ी सज्जन निर्माता हैं हमारे। तो इस तरह से शुरुआत हुई और लगभग 5-6 महीने की मेहनत के बाद कारवा आगे बढ़ा और इस मुकाम पे हैं कि हमारी। तो जहाँ शूटिंग मिल रही है, जहाँ शूटिंग हो रही है, कैसा माहौल मिल रहा है, कैसा सब कुछ मिल रहा है? बहुत ही आनंदमय माहौल है, बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है यहाँ हमारे, क्योंकि यहाँ घर वाले हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, अच्छा है। सर, जैसे कि आप हमेशा अलग जोनर की फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं, और फिल्मों में दिखता है जब आप बनाते हैं, दर्शकों की पसंद का सिनेमा, महिलाओं की पसंद का सिनेमा, परिवार की पसंद का सिनेमा बनाते हैं, तो ये आपकी थॉट जो है इसमें कितना दिखेगी इस फिल्म में? हाँ, बिल्कुल सही। मेरी सोच हमेशा ग्रामीण सोच रही है, चूँकि अगर हम भोजपुरी सिनेमा बनाते हैं तो भोजपुरी की समस्याओं को सामने रखें, उस क्षेत्र में जो भी, उस क्षेत्र की मिट्टी की जो खुशबू है उसको हमेशा महकाने की कोशिश करता हूँ मैं। और जो कहते हैं ना, समाज का आईना होता है, तो बस वही दिमाग में रख के बनाया, और एक बेहतरीन फिल्म है। जैसा कि इसके पहले हम त्वरा के मान ले दी सजना भी हमने बनाई थी, त्वरा किया दीवाना बना दे ले, तो इस तरह का हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जिस मिट्टी में मैं खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ उसको सामने ला के दर्शकों के सामने रखूँ, ताकि जो शहरीकरण हो रहा है गाँव का, उनको ये समझ में आए कि आज भी हमारी मिट्टी की खुशबू जिंदा है। तो ऐसे में जब आपकी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए प्रोड्यूसर आपका साथ देते हैं, जैसे इस फिल्म के लिए प्रोड्यूसर की जो सोच है, अभी प्रोड्यूसर जैसे बात किया, उनके थॉट को सुना, क्या कहना चाहेंगे? इनका भी थॉट इत्तेफाक से हमारे थॉट से मिलता जुलता है, और जब ये मुझे एज ए निर्देशक लेने की बात किए तो मैं इनसे कहा था कि सर, सबसे बड़ी बात होती है किसी फिल्म का निर्देशक, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी फिल्में आप देखें और उसके बाद सोच समझ के मुझे चयन करें, क्योंकि मैं काम बड़ा तरीके से करता हूँ, और जब काम करता हूँ तो थॉट्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, इधर इधर की चीज़ें नहीं होती मेरे साथ। तो ये इनका कहना था कि सर, मैं आपकी फिल्मों को देखा हूँ, आपके बारे में जाना हूँ, समझा हूँ, फिर मुझे लगा कि मेरा जो फिल्म है उसका सही निर्देशक आप ही हो सकते, तो अच्छा लगता है इस तरह की बातें सुनकर। तो शोभा फिल्म वर्ल्ड जैसे बैनर है जी, इस बैनर तले और क्या क्या? ये अभी इनकी नई शुरुआत है, इनका एक मिशन है कि जिस तरह से टी सीरीज हुआ, सहराशि प्रोडक्शन हुआ, उस स्तर पे ये फिल्म बनाना चाहते हैं। अभी तो शुरुआत है, इनके 3-4 फिल्म का लाइनअप किया जा रहा है, प्लस भविष्य में म्यूजिक कंपनी भी डालने का इरादा है इनका, और करेंगे, जुनून काफ़ी है इनके अंदर। और इनका ये कहना है कि आज जिस तरह का माहौल बन गया है, बड़े कलाकारों को लेकर फिल्म बनाते हैं, बजट भी ज़्यादा जाता है, रिकवरी भी नहीं होता है, प्लस कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपना सारा कुछ थोपने की कोशिश करते हैं प्रोड्यूसर पे, तो हम नए कलाकारों को लेकर क्यों ना एक अच्छी फिल्म बनाएं। तो मुझे अच्छा लगा, मेरा सहयोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ होता है, इनके साथ भरपूर। इस फिल्म में कौन कौन कलाकार नजर आएंगे? इस फिल्म में हीरो हमारे हैं विशाल सिंह, जिनका भी हमने फिरौती किया था, जिसका टीजर रिलीज हुआ था। कुणाल सिंह जी हैं, भोजपुरी सिनेमा के महानायक, उनको कौन नहीं जानता। और ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये गेस्ट अपीयरेंस के रूप में हमारे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हैं, इसके अलावे आपका विजय श्रीवास्तव जी हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश है मिलकर। थिएटर की बात की जाए, सर आगरा के थिएटर में से संस्कृत कार्यक्रम से आगरा महोत्सव से जुड़े हुए
सिंह जी भी आई हुई है, वो भी इस फिल्म से जुड़ी पहली बार भोजपुरी में, आपके निर्देशन में एक्टिंग करने क्या कहना? हाँ, जब मुझे ये बात पता चला तो मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि चूंकि रंगमंच से मैं जुड़ा रहा हूँ तो रंगमंच से बड़ा प्यार है मुझे, तो मैं बहुत खुश हुआ कि यार बिछड़े जमाने के बाद ये रंगमंच के साथियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हमारी एक हल्की मुलाकात हुई थी, बड़े ही सरल स्वभाव की हैं वो, और जितना कद उनका ऊंचा है उतने जमीनी स्तर की देखते हैं, स्वभाव से बड़ा सुंदर निर्मल, एकदम जैसे गंगा की धारा हो, तो बहुत प्यारा उनका नेचर है, लहजा उनका अच्छा है, काम करने का तरीका अच्छा है, संस्कार अच्छा है, उनको देख के कोई नहीं कह सकता, देख के कोई कह सकता है कि कोई अजनबी, मतलब सामान्य औरत होंगी वो, लेकिन जब पर्दे पे आती हैं तो फिर वो दिखता है कि नहीं, कलाकार जब पर्दे या कैमरे पे दिखाई देता है तो उसकी भीड़ बढ़ जाती है, पैर और अपने रंगने में और पायल पहनने में शायद लगता है आधा घंटा लगता होगा। इस फिल्म के लिए ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे सर? ऑडियंस से यही कहूंगा कि जिस तरीके से मेरे पायल पहनने और पैर रंगने में फिल्मों को प्यार आप लोगों ने दिया है, इसको भी दीजिए। और बाकी क्या क्या आप धमाका करने वाले हैं डायरेक्टर? धमाके के बारे में तो यही बताऊंगा कि अब दशहरा आने वाला, एंजॉय कीजिए, दिवाली पे दूसरा कुछ धमाका करूंगा।